संदेश दीजिए आज का। आज बाबा गुरु गोरखनाथ के चरणों में मैं नमस्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते केवल अपने जोगी समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। इस 70 वर्षों में से लगभग 57 साल भारत के अंदर कांग्रेस का शासन रहा। इस कांग्रेस के शासन में हमारे समाज की क्या दुर्दशा हुई है ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री एक शेर जो अति पिछड़ी जाति का है वो बन गया है। अब प्रत्येक समाज, हमारे समाज के लिए तो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ भगवान गोरखनाथ जी के चरणों में खड़ा होकर के कि आज जो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी बने हैं वो अति पिछड़ी जाति के लिए एक भारत के अंदर ऐसी क्रांति पैदा करना चाहते हैं कि जिससे इस भारत के अति पिछड़ी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनको सम्मान मिल सके, उनका अधिकार मिल सके। अभी पार्लियामेंट के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने संवैधानिक दर्जे के लिए पास किया पार्लियामेंट में, लेकिन हमारा वो बिल राज्यसभा में गिर गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने व्हिप जारी कर दिया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा MP मिनिस्टर पार्लियामेंट से एब्सेंट नहीं रहेगा जब कोई बिल भारत का पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। कुछ कांग्रेस की नीतियों, समाजवादी पार्टी की नीतियों और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के कारण वो हमारे बिल गिरा है। मान लीजिए यदि आज संवैधानिक दर्जा हमें मिल जाता तो हमारे IAS होते, PCS होते, IPS होते, बड़े बड़े अधिकारी होते। ये हमें जो इस 3 पार्टियों ने मिलकर के हमें पार्लियामेंट में धोखा दिया है, हम इनको आगे आने वाले 2019 के चुनाव में किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिता कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हाथ मजबूत करके वो फिर से दोबारा से वो पार्लियामेंट के अंदर जब हमारा राज्यसभा बहुमत आ जाएगा तो वही पार्लियामेंट के अंदर विधेयक दोबारा से पास किया जाएगा जिसमें हमें संवैधानिक दर्जा होगा, हमारे मिनिस्टर होंगे, हमारे MLA होंगे, हमारे MP होंगे और हमारे बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो IPS होंगे, IAS होंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों में होंगे और उनको सम्मान मिलेगा इस देश के अंदर। उनको उनकी जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनका अधिकार मिल जाएगा। मैं इसके साथ में अपने जोगी समाज के भाइयों को, नौजवान साथियों को विशेष रूप से एक संदेश देना चाहता हूँ कि संगठित होकर इस देश की आवाज़, संगठित होकर इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें जिससे कि आपको संवैधानिक दर्जा मिल सके, इस देश के अंदर आपको सम्मान मिल सके, इस देश के अंदर जो आपका अधिकार है वो अधिकार वापस आ सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।